हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे ग्वावा, जिसको हम कहते हैं अमरूद। इसका वर्किंग कैलेंडर सीडियम ग्वाजाबा होता है, परिवार माइटेसी होता है, होते हैं ठीक है। फल प्रकार इसका बेरी होता है, खाए जाने वाला भाग इसको थैलेमा का पेरिकार्प होता है। जलवायु ट्रॉपिकल होती है ठीक है। मोड ऑफ पॉलिनेशन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। रेस्पिरेशन बताया था मैंने आपको, क्लाइमेटिक होता है। और इसमें जो कोटिलीडन होते हैं डाइकोटिलीडन होते हैं। और इसमें फाइबर भी पाया जाता है 6.9%, मतलब सबसे हाइएस्ट फाइबर पाया जाता है ग्वावा में। इसका जो क्लाइमेट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसका यूपी में होता है। तो क्लाइमेट इसके लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ठीक है। इसके लिए सॉइल होनी चाहिए वो बेस्ट सैंडी लॉन्ग होती है, परफेक्टेबल। और इसका पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए ठीक है। इसकी वैरायटी है जो लखनऊ 49 है, जो कि सरदार ग्वावा है, अलावा सफेद है, ये बेस्ट वैरायटी है ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ग्वावा है वो डेमीटर प्लांट है, क्योंकि इसका तीनों मौसम में अपन को फल देता है। और जो ब्रॉन्जिंग डिसीज होती है इसमें जिंक की कमी से। और ग्वावा में एक बेल्ट भी कॉमन है जो कि एलवल सॉयल में होती है। और ग्वावा इज द बेस्ट फॉर द जेली मेकिंग ठीक है। कंटेन विटामिन सी। और कैंसर इज अ कॉज्ड बाय द फंगस इन ग्वावा। पैक्टिन कंटेन हाई इन फॉर्म ग्वावा, मतलब कि जो फॉर्म ग्वावा में सबसे ज़्यादा पैक्टिन होता है। देन ग्वावा इज द फोर्थ इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ इंडिया, मतलब फोर्थ नंबर पे आता है। आई मीन थ्री क्रॉप्स ऑफ ग्वावा टेकन इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ठीक है। और जून जुलाई में इसकी प्लांटिंग की जाती है। इसमें तीन बहार आती है, अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। सबसे अच्छी बहार कौन सी होती है, वो होती है आपके पास होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं आपको बताती हूँ।